मैरिटल रेप। इस मैरिटल रेप को लेकर 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला सुनाते समय हाई कोर्ट के दोनों जजों ने इस पर अलग अलग राय जाहिर की। जस्टिस शकधर के मुताबिक मैरिटल रेप आईपीसी की धारा 375 और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, लिहाजा पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर का मानना एकदम अलग था। उनके मुताबिक मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बेंच ने याचिका लगाने वालों से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राइट टू सेक्स के नाम पर वाइफ का रेप हमारे देश में आम है। इस मैरिटल रेप के टर्म को समझने के लिए 3 आप बीती सुनिए। मेरा नाम शालिनी है। मैं उम्र के उस पड़ाव में थी जहां शादी के बाद अपने सपनों को संजो रही थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं रोहन से सोशल मीडिया के जरिए मिली, मुझे प्यार हुआ और हमने 2019 में शादी कर ली। लेकिन रोहन के घर वालों ने मुझे अपनाया नहीं, इसलिए शादी के बाद भी मैं अपने मायके में ही रहती थी। मैं और रोहन अक्सर मिलते रहते थे, लेकिन अब मैं माँ बनने वाली थी। रोहन बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन परिवार वालों को वारिस चाहिए था। मुझे ससुराल दुल्हन के तौर पे नहीं बल्कि वारिस के लालच में बुलाया गया और इसके बाद मैरिटल रेप की दर्दनाक कहानी शुरू हुई। जरा जरा सी बात पर मुझे मारा जाता। मना करने के बाद भी रोहन शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता और उस वक्त उस पर इस कदर हैवानियत सवार रहती कि वो भूल जाता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बेटे के जन्म के बाद पीरियड्स के दौरान रोहन इंसानियत भूल जाता और मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ता था। मना करने पे गाली देना और तलाक की धमकी देना बहुत आम हो गया था। बच्चा उसी कमरे में एक तरफ रोता रहता। उसे रोता देखकर भी रोहन का दिल नहीं पसीसता था। मेरी माँ ने समझाया था कि पति पत्नी के बीच ये सब नॉर्मल है, गलत कुछ नहीं है, इसे जबरदस्ती नहीं कहते हैं। जब यह सिलसिला बर्दाश्त के बाहर हो गया तब मैं ससुराल छोड़कर मायके आ गई। इस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अगर पति जबरदस्ती संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं। मेरा नाम स्मिता है। मैंने भोपाल सिविल कोर्ट में अपने पति के खिलाफ मैरिटल रेप का केस किया था, जो मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। शादी मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह थी। शादी के तुरंत बाद मैं बिल्कुल इस हालत में नहीं थी कि अपने पति की सेक्सुअल फैंटेसी को पूरा कर सकूं। मैं सेक्स करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पति से कहा कि मुझे थोड़ा समय दें, एक दूसरे को जानने तक ठहरने की बात कही, लेकिन सालों से सेक्स के लिए भूखे उस आदमी ने शराब के नशे में जानवर की तरह मेरे साथ सेक्स किया और सेक्स टॉय समझ कर मेरे शरीर को कई बार चोटें पहुँचाई। मेरा नाम नाजिया है। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई। शादी के बाद 2-4 दिन तक तो सब सही रहा, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मेरे पति के संबंध एक गैर औरत के साथ थे, इसलिए मैंने पति के साथ रिश्ता रखने से मना कर दिया। लेकिन इस बात का विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि जब भी पति को सेक्स करने की इच्छा होती थी तो वो मुझे दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देते थे। कई बार नींद खुल जाती पर रेप कर रहे पति का विरोध करने की ताकत शरीर में नहीं रहती थी। ब्रिटेन के कानून में मैरिटल रेप को रेप नहीं माना गया था। भारत में भी रेप का कानून ब्रिटेन से लिया गया, इसलिए यहाँ भी मैरिटल रेप को गैर कानूनी नहीं माना गया है। इंडियन पीनल कोड की धारा 375 में रेप को अपराध बताया गया है, लेकिन धारा 375(2) के मुताबिक कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वह बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही उस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती क्यों ना की हो। भारत में हर 25 में से एक महिला पति के यौन हिंसा की शिकार हुई है। हमारा देश उन 34 देशों में से एक है जहां पत्नी के नहीं चाहने पर भी पति को रेप करने की आजादी है। वहीं पंजाब में 67%, कर्नाटक में 30%, मिजोरम में 25% पुरुष मैरिटल रेप को अधिकार मानते हैं। साल 2017 में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो देश में शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। आज भी भारत में 29% से ज्यादा महिलाएं यौन हिंसा का सामना करती हैं। मैरिटल रेप इसलिए भी गंभीर मुद्दा है क्योंकि जैसे रेप करते वक्त एक आरोपी सामने वाली महिला की असहमति के बिना जबरदस्ती करता है, ठीक उसी तरह मैरिटल रेप के मामले में भी सेक्स करने में सहज नहीं होने पर भी पत्नी के साथ पति जबरदस्ती सेक्स करता है, जो गलत है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।